जय महेश।
नवरात्रा का पर्व उत्सव मनाया है और नवरात्रा का पर्व एक ऊर्जा प्राप्त करने का, शक्ति प्राप्त करने का पर्व है। और शक्ति कहां मिलती है? माता से मिलती है, देवी से मिलती है। और इसलिए शक्ति और सामर्थ्य हमारे भारतीय संस्कार में हमेशा है। और इसीलिए इस समाज की प्राचीनतम व्यवस्था के अंदर भी हमेशा हमने नारी को पूजन किया है, सृष्टि का निर्माता नारी को माना है। और इसी तरीके से 1800, 1700, 1800 शताब्दी के अंदर भी अगर हम देखें तो 1857 की पहली लड़ाई आजादी की लड़ाई भी रानी थी झांसी ने लड़ी, जो भी महिला थी। और उसके बाद जो समाज में परिवर्तन हुआ, उस समाज के परिवर्तन में कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान। एक दौर 20वीं शताब्दी का आया था, उस समय सामाजिक कुरीतियों के कारण कई महिलाओं पर बंदिशें थी, लेकिन उस समय भी महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा से लेकर तमाम सामाजिक कुरीतियों के लिए अनेक समाज सुधारकों ने उस समय शंखवाद किया। और 20वीं शताब्दी के अंदर भी उस शंखवाद से एक समाज को नई दिशा दी और एक समृद्ध नारी की ओर बढ़ने की दिशा दी। 21वीं सदी तो नारी की शताब्दी, जब 21वीं शताब्दी हम चर्चा करते हैं तो भारत के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। देश के राष्ट्रपति के रूप में और राष्ट्रपति के लेके विज्ञान सामाजिक तमाम क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से समाज में महिलाएं प्रगति कर रही है, हमारी युवा छात्राएं प्रगति कर रही है, अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक अगर भारत में नेतृत्व करने की क्षमता है तो महिलाओं के अंदर है। इसलिए हम एक समृद्ध को हैं, लेकिन समृद्ध के साथ हमें संपूर्ण समाज को समृद्ध बनाना है। हमें वो अभाव वंचित गरीब महिलाओं के अंदर जहां आज भी सामाजिक कुरीतियों की कहीं ना कहीं जड़कन है, जहां सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं को नहीं निकलने दिया जा रहा, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है महेश की संतान होने के कारण कि हम समाज के उस समृद्ध नारी बनाने में हमारा योगदान दें। और ये योगदान जब होगा, जब हमारा संगठन का ढांचा मजबूत होगा, हम संगठन का ढांचा मजबूत होने के कारण एक मजबूत ढांचा, एक संस्कारी ढांचा, एक समर्पण सेवा का ढांचा और एक संकल्प का ढांचा। और इसीलिए हमें हमारे संगठन के ढांचे को इतना मजबूत करना है कि संपूर्ण देश के अंदर जब कभी महिला नारी के अंदर कोई नेतृत्व करने की क्षमता का निवर आए तो उसमें मायसी समाज की महिलाओं का नाम आए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और ये दो दिन का अधिवेशन आपका इन सब विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति असहमति और सहमति असहमति चर्चा संवाद से जो निष्कर्ष निकलता अमृत निकलता उसे कल्याण होता। संसद में अंदर हमने 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में यही पाया है, हमने लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी है तो भारत की। और आप दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर चले जाए हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना हुआ लोकतंत्र जिस सहज रूप से हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा है, जिस तरीके का गौरव सम्मान है, आज दुनिया के अंदर हमारे लोकतंत्र की देन माना जाता है, जननी माना जाता है भारत को, क्योंकि भारत के जीवन शैली में आचरण में विचार में ही लोकतंत्र रहा है। हमारे गांव में नगरों में प्राचीनतम पद्धति के अंदर भी लोकतंत्र रहा है, जब हम बैठकर आपस में चर्चा कर सामूहिक निर्णय करते थे। और आज 75 साल के इस लोकतंत्र की यात्रा में भी जो कुछ भी इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया उसमें लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारे संविधान बनाते हुए निर्माता ने कहा कि जनता के द्वारा जनता की सरकार इस देश की सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान के लिए काम करेगी। और लगातार 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने मुकाम हासिल किया है कि दुनिया के अंदर हम श्रेष्ठतम राष्ट्र बनने जा रहे हैं और श्रेष्ठतम राष्ट्र बनने में हमारा जनता की भागीदारी और जनता की 1.4 बिलियन जब मैं किसी देश में जाकर चर्चा करता हूं
कि हमारी आबादी 1.4 बिलियन है तो वो चकित हो जाते हैं। मैं जब चर्चा करता हूं कि हमारे यहां पर 90 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं तो चकित हो जाते हैं। मैं जब कहता हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, पता चलता है उस देश की आबादी 10 लाख है 20 लाख है और हमारा एक प्रतिनिधि 10 से 20 लाख है। यह ताकत है हमारी और इस ताकत के आधार पर कोई समय होता था जब कहते थे जनसंघ का अभिशाप है, लेकिन एक मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व और क्षमतावान नेतृत्व किस तरीके से समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन कर सकता है, यह हमने इस एक दशक की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा कि उन्होंने दुनिया के अंदर बताया कि किस तरीके से डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के आधार पर ही हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेंगे। और आज दुनिया के किसी भी देश में चल जाए, कितने बड़े विकसित राष्ट्र में चले जाए, उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी अगर उस विकसित राष्ट्र की प्रगति, खुशहाली और उसके नए इनोवेशन और नए रिसर्च की अगर ताकत है तो भारत का नौजवान है। भारत के नौजवान की बौद्धिक क्षमता आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, हर दुनिया के बड़े देश के अंदर आईटी का प्रोफेशनल अगर मिलेगा तो भारत का नौजवान मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा तो भारत का नौजवान मिलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा तो भारत, दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां उसके सीईओ मिलेंगे तो भारत मिलेंगे, उन कंपनियों के आर्थिक रूप से उसका संचालन करना, उसको आगे ले जाने का काम भारत के नौजवानों ने की, भारत की समृद्ध शक्ति। और इसीलिए इस समृद्ध शक्ति में जब सब हम योगदान के साथ करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, इसलिए कई बार जब मैं लोग कहते हैं कि समाज की बात करता हूं, भारत के अंदर इस सामाजिक व्यवस्था से ही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुआ है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी वह सामाजिक व्यवस्थाएं हमारे आपस में मिलकर अपने अपने समाज में हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं, वंचित गरीब लोगों की उद्धार कर उसको समकक्ष खड़े कर सकते हैं, यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का अंश है। और इसीलिए मायश्री समाज की महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है संपूर्ण समाज को दिशा देने की, हम हमारे संगठन के ढांचे को इतना सशक्त करें, मजबूत करें कि उस जिले के अंदर, गांव के अंदर, ढाणी के अंदर जितनी हमारी महिला है वो उसका नेटवर्क इतना मजबूत रहे ताकि हम जब कभी आपदा संकट आए उस आपदा संकट के अंदर, पूरे देश के अंदर आपदा संकट और चुनौतियों के अंदर खड़ी रहे तो सबसे पहले मायश्री महिला समाज की महिलाएं खड़ी रहे। और इसीलिए हम जहां आपदा में खड़े रहे वहीं किस तरीके से, क्योंकि समाज के आजादी के पहले भी, आजादी के पहले की लड़ाई के अंदर भी मायश्री समाज का योगदान था और आजादी के बाद भी देश के निर्माण में मायश्री समाज का योगदान है। आप आजादी की लड़ाई का जितनी आप इतिहास पढ़ोगे, राजाओं के राज में भी भामाशाह जब कभी उस देश के राजा के पास राष्ट्र को बचाने की कमी आती थी तो भामाशाह के रूप में देश की रक्षा के लिए वो भामाशाह अपना सब कुछ खोल देते थे। और आजादी की लड़ाई के अंदर चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, कितने भी उद्योगपति है, उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ भी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को सहयोग दिया, धन दिया और देश की आजादी में सहयोग किया। और उसके बाद आजादी के बाद देश के अंदर चाहे कल कारखाने हो, धर्मशाला हो, ब्याह हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, तमाम सेक्टर के अंदर आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी भारत के अंदर इन समाजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में जब समाज में बहुत विकास किया है, हम हमारा कंट्रीब्यूशन के अंदर चलते हैं, नए बदलते परिपेक्ष में, नए बदलते भारत के अंदर हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह हमारा चिंतन का विषय है कि हम नए बदलते भारत के अंदर किस तरीके से हर महिला को सशक्तिकरण करें, हर महिला को रोजगार देने की ताकत हमारी पड़े। सही कहा था चाणक जी ने कि हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बने, दिशा को हमें परिवर्तन करना होगा। इसलिए जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो संगठन के अंदर जब एक जिला एक प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के अंदर हम किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका एक बेहतरीन मार्केट दे सकते हैं, गरीब वंचित महिलाओं को जो काम का एक नेटवर्क तैयार करें, उनके प्रोडक्ट को तैयार करने का काम करें, उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने का काम महिषी महिला की संगठन के पदाधिकारी करें। और इसी तरीके से हमारी महिलाओं को नया इनोवेशन, नया रिसर्च, आज दुनिया के अंदर 70,000 स्टार्टअप है,
70,000 स्टार्टअप हमारे नौजवानों ने देश और विश्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हैं, व्यक्ति के सामान्य जीवन में आने वाली हर दिक्कत का समाधान हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप के माध्यम से किया है। आप दुनिया के अंदर खोलकर देख लो, आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत के स्टार्टअप नौजवान दुनिया की चुनौतियों का समाधान देंगे, हर सेक्टर के अंदर देंगे। आज आप मेडिकल के रिसर्च में चले जाओ, दुनिया के अंदर आज भी मेडिकल के अंदर दुनिया के अंदर अधिकतम जैसे जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि दवाया कहां से आती है, तो भारत से आती है। डॉक्टर कहां से आते हैं, तो भारत से आते हैं। ये हमारी ताकत है, इस ताकत को खड़ा करने में हमारा भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसलिए हमारी युवा महिलाओं को हम नया इनोवेशन, नया स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, समाज इसके लिए जगह जगह उन लोगों को एक संगठित कर एक बेहतरीन स्टार्टअप बनाने का काम करें ताकि इसका सॉल्यूशन कर सके। और इसी तरीके से हमें कुछ सामाजिक कार्य भी करना पड़ेगा। हमारा हर लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्त करने की सीमा ये हमारे संगठन में चर्चा संवाद कर रहे हैं, हम किस लक्ष्य के लिए चले थे और उस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त कर लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कुछ भी चुनौतियां कठिनाइयां आई है उसका समाधान करते हुए उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए और दुनिया में अपने कार्यों की श्रेष्ठता के आधार पर उस समाज के अंदर जितने भी अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों को एकमात्र कोई सेवा के रूप में नजर आए, एकमात्र कोई सॉल्यूशन के रूप में आए तो वहां की महेश्वरी महिला मंडल की कार्यकर्ता नजर आए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य में काम करना चाहिए। सामाजिक रूप से अध्यक्ष जी ने बताया जो चिंता सही है, मैं भी देखता हूं कि इन चिंताओं को मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारी शादी के लिए आजकल कोई शादी .com पे जाता है, कोई शादी कराने वाले पैकेज जाता है तो पूछते हैं कितना का पैकेज, कहां चला गया। हमारे बड़े बुजुर्ग जो शादियों के रिश्ते करते थे वो टूटते नहीं थे, आज कहां स्थिति चल गई, उस स्थितियों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे परिवारों को सुसंस्कृत बनाना, संस्कार बनाना, दुनिया के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन और भौतिक उपयोग करने वाले जितने भी देश हैं आज अवसाद और चिंतित है और उनको भारत की संस्कृति नहाना पड़ता है अपने अवसाद और चिंतन को कम करने। हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, एक समय दौर चला था भौतिक संसाधनों की ओर पश्चिम देशों की दौड़ के रहा, आज पश्चिम के सारे देश के लोग अवसाद चिंतित अवसाद ग्रसित है और उनको कोई धरती मिलती है जहां आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा करने की धरती मिलती है तो भारत की धरती मिलती है। हमें भी हमारी उसी संस्कृति संस्कार को लाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि हमें 5 बिंदुओं पर चिंता करना चाहिए, हमारी विरासत की संस्कृति हमारे संस्कार आज भी जीवित रहने चाहिए, हमारा परिवार एक वसुदेव कुटुंब का परिवार होना चाहिए जिसमें हम हमारी नहीं संपूर्ण विश्व की चिंता करें, संपूर्ण समाज की चिंता करें। इसी तरीके से समाज के अंदर शादियां ब्याह और फिजूल खर्ची इन सब बारों में भी सामाजिक रूप से संगठनों को चिंतित करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम नई दिशा दें, किस तरीके से सामूहिक विवाह की ओर छोटे छोटे समाज बढ़ रहे हैं। मैं कई समाजों के अंदर जाता हूं, देखता हूं कि छोटे छोटे समाज आज सामूहिक विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं। जब समाज का सबसे समृद्ध समाज, धन शक्ति से सबसे समृद्ध समाज सामूहिक विवाह और इस सामाजिक परिवर्तन की पहल करेगा तो समाज उसका मार्गदर्शन लेगा, उसकी समाज दिशा लेगी। इसलिए इन पहलों को करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि 2 दिवसीय इस महिला सम्मेलन के अंदर आप सब चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और उसका जो मंथन निकले, निष्कर्ष निकले, उसका जो पेपर बने उसको अगले सम्मेलन में हम कहां तक पहुंचे, हमने क्या लक्ष्य तय किए थे और उस लक्ष्य तक कहां तक पहुंचे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो चुनौतियां थी उसका समाधान करते जाए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए। हमारी शक्ति सामर्थ्य, हमारी सोच, हमारी संस्कृति और भगवान शिव ने हमें महेश की संतान के रूप में पैदा किया, ये सामर्थ्य शक्ति हमारी इसका उपयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।